हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज है 29 जून और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 28 और 29 जून से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन में भारत की जो अगली स्थायी प्रतिनिधि है वह रुचिरा कंबोज बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 और आप देख सकते हो ये है रुचिरा कंबोज, जो कि वर्तमान में दोस्तों भूटान में भारत की राजदूत है और इनको न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में एस तिमूर्ति का स्थान लेगी। रुचिरा कंबोज 1987 बैच की आईपीएस है और यह पेरिस में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन हाई कमिश्नर भी रह चुकी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है दोस्तों, तो यह रुचिरा कंबोज बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों, यह प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का जो कार्यकाल है वह कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वह 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों उड़ीसा राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी फुटबॉल टीम रही है। तो शीर्ष पर रहने वाली जो फुटबॉल टीम है वह ब्राजील है। तो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष पर रहने वाला जो शहर है दोस्तों वह वियना ऑस्ट्रिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है वह पहली बार किस टीम ने जीता है। इस खिताब को जीता दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की टीम ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब मध्य प्रदेश ने दोस्तों रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। और रिविजन का लास्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसका प्रमुख नियुक्त किया है तपन कुमार डेका को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम 200 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 200 लाइक कम से कम तो आज होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का जो अध्यक्ष है वह किसे नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो अध्यक्ष है वह नितिन गुप्ता को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है नितिन गुप्ता जिन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं, नितिन गुप्ता ने संगीता सिंह का स्थान लिया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CBDT की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वह 1 जनवरी 1964 को की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का जो अध्यक्ष है वह किसे नियुक्त किया है, तो यह नितिन गुप्ता को। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत
निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है वह 150वीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। तो दोस्तों रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को जारी किया है, जो 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है। मैं आपको बता दूं सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वह पिछले साल के बजाय लास्ट ईयर की दोस्तों बात करें तो भारत की जो रैंक थी वो 142वीं थी और इस साल गिरकर 150वीं हो गई है। तो यहाँ पे आपको याद के रखना है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है वह कौन सी है दोस्तों? तो यह 150 है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह किसने किया है? तो मैं आपको बता दूं बाजरा पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वह प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन टू। तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका जो आयोजन है वह उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा नई दिल्ली में द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया विषय पर किया गया है। प्रमुख बाजरा उत्पाद राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि है। तो दोस्तों आपको प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य के नाम भी याद रखना है, कौन कौन से? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यह प्रमुख बाजरा के उत्पादक राज्य है। तो याद रखना है कि बाजरा पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वह किसने किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन टू। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनिल खन्ना को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो कार्यवाहक अध्यक्ष वह कौन बन गए दोस्तों? तो अनिल खन्ना बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। साथ ही इसका जो कार्य है दोस्तों वह ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों व अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट का चयन करना और साथ ही भारतीय दल का प्रबंधन करना है। तो याद कर रखना आपको कि अनिल खन्ना को हाल ही में दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो पहला एयरपोर्ट बन गया है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। तो दोस्तों दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह 1 जून से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर स्विच हो गया है। यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो अपनी सभी जो खपत है दोस्तों उसको जरूरत के लिए हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी का उपयोग करता है। 6% ऊर्जा सौर ऊर्जा से और जल विद्युत संयंत्र से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि पनबिजली और सौर ऊर्जा पर जो चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है वह कौन सा बना है? तो यह दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो कि दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के जो नए सीईओ है वह परमेश्वर अय्यर बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो ये है परमेश्वर अय्यर जो कि नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो सीईओ है अमिताभ कांत इनका जो कार्यकाल है वह 30 जून को समाप्त होने वाला है और इनका जो स्थान है दोस्तों वह कौन लेने वाले? तो परमेश्वरन अय्यर लेने वाले हैं। याद रखना इनका जो कार्यकाल है वह अब 2 वर्ष तक रहेगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन थर्ड परमेश्वरन अय्यर जो कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2022 कब मनाया गया है?
तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस है यह प्रतिवर्ष 27 जून को मना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो वैश्विक आर्थिक विकास और सतत विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम दिवस के थीम की, तो यह रीसाइलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय MSME उद्यम दिवस कब मनाया गया है, तो यह 27 जून को मनाया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो स्थापना है वो कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो ही इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।